वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। भगवान महावीर का एक सूत्र आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा उस पर विचार करेंगे। चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो मानुसत्तंग सुविश्रद्धा संयमं यवीर्यम्। बस ये सूत्र यदि समझ में आ गया तो जीवन सार्थक हो सकता है। आप किसको समझते हैं दुर्लभ? कौन सी चीज दुर्लभ है आपके लिए? किसको आज तक आपने दुर्लभ माना कि बहुत दुर्लभ है? जो भी आप सुनो, पूछो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बस इतनी सी बात है, जीवन रूपांतरण हो जाएगा कि मैं खड़ा कहाँ हूँ। भगवान ने कहा चार बातें दुर्लभ हैं, क्या आपने समझा? चार बातें दुर्लभ, मानसत्तंग मनुष्यता, सुई श्रद्धा सुनना और श्रद्धा और उसमें पराक्रम करना। क्या आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं? मैंने बोल दिया, मैंने किया नहीं, उसका लाभ क्या हुआ? आपने सुन लिया और सुन करके वैसे चले गए। चार बातें दुर्लभ हैं। पहली बात, क्या दुर्लभ है? आपने महसूस किया कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, क्या आपने अनुभव किया? इतने वर्ष गवा दिए, क्या पाया, क्या खोया? कितना त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना कर पाया हूं पाप पुण्य का लेखा, कितना मैंने छोड़ा, कितना भीतर देखा, कितना मैंने पाप और पुण्य का लेखा जोखा जोड़ा, कभी हिसाब किताब किया? मनुष्य का जीवन परमात्मा को पाने के लिए है। परमात्मा को पाया जा सकता है, महावीर ने इसी जीवन से परमात्मा को पाया। हमें मनुष्य जीवन कैसे मिला, कभी सोचा? अनंत अनंत योनियों से भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि पहला पानी समुद्र में उत्पन्न हुआ, फिर मछली बनी, फिर धीरे धीरे आदमी बनता गया। ईसाइत कहती है कि परमात्मा के बगीचे में एडम और ईव दोनों आराम से रहते थे। ईव ने एडम को उकसाया, उसने फल खाया, परमात्मा नाराज हो गया, उनको मना किया था कि फल नहीं खाना, और परमात्मा ने उनको नीचे भेज दिया। एडम से बना आदम, आदम से बना आदमी। ईव एडम से बना आदमी और ईव से बनी औरत, तब संसार चला। कि आपको ठीक लगता है ये बात सही है? आपको क्या ठीक लगता है? और भाषा शास्त्री कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहली आवाज़ क्या निकलती है? माताओं को ज़्यादा पता होगा, मुझे तो पता नहीं। अरे लड़का पैदा होता है, लड़का रोता है तो कैसे रोता है? आ आ आ,
आ से बना आदम, आदम से बना आदमी। लड़की रोती है तो क्या करती है, ई ई ई ई करती है, ई से मला ईव, ईव से बनी औरत। ये भाषा शास्त्रियों की एक कल्पना है कि आवाज़ में डिफरेंस होता है। लड़की रोएगी तो और ढंग से रोएगी, लड़का रोएगा तो और ढंग से रोएगा। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हीरा गुम हो जाए तो चिंता मत करना, धन ना मिले तो चिंता मत करना, संबंधी छूट जाए तो चिंता मत करना, परंतु मानव का जीवन दोबारा कब मिलेगा क्या पता। एक छोटी सी कहानी काफ्का ने लिखी है, उसको सपन आ गया। एक पादरी को रात को सपन आया, सपन सच ही होते हैं। रात को पादरी को सपन आया कि मैं कीड़ा बन गया। कीड़ा, कीड़ा समझते हो, जिसकी 8 टांगे होती हैं, चलता है ऐसे ऐसे करके। वो बड़ा घबराया, मैं कीड़ा बन गया। उसकी चेतना आदमी की है, देह कीड़े की है, और सपन में उसको लगा कि मैं कीड़ा बन गया। उसके संताप को समझो, उसके दुख को समझो, उसकी पीड़ा को समझो। काफ्का पादरी ने लिखा है, वो चलने लगता है तो चल नहीं पाता, क्योंकि टांगे आदमी की नहीं, टांगे किसकी हैं, कीड़े की। और वो देखना चाहता है, आदमी की आंख नहीं है, कीड़े की आंख है, कैसे देखेगा। अब वो बोलना चाहता है, बुलाना चाहता है, अब उसकी भाषा कौन समझे। उसकी पत्नी पास से गुजरती है, क्योंकि चेतना आदमी की है, उसकी पत्नी भी है। पत्नी को बताना चाहता है, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे बचाओ, पर पत्नी समझ नहीं पाती, क्योंकि देह कीड़े की है। पिता पास से निकलता है, माँ पास से निकलती है, भाई पास से निकलते हैं, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चेतना आदमी की है और देह, चेतना कीड़े की है और देह आदमी, देह कीड़े की। कितना मूल्य है इस देह का, और हम कैसे गवा रहे हैं, खाने में, पीने में, सुनने में, संगीत में, मजाक में, कितना गवा देते हैं हम, कितने कर्मों का बंधन करते हैं। ये पांचों इंद्रियों को वश कर लिया तो अनंत कर्म निर्जित हो जाएंगे, और पांचों इंद्रियों को खुला रख करके मन के अनुसार चलने दिया तो संसार खड़ा हो जाए। वो बहुत दुखी है। जब उसका सपना टूटा, उसको होश आया, ओ मैं तो आदमी, सपन में कीड़ा दिखाई दिया था। अब उसने लिखा है कि अब मैं समझता हूँ इस देह का मूल्य क्या है, मैं कीड़ा हो गया था, मैं आदमी नहीं था, आंखें देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, क्योंकि हाथ आदमी के नहीं थे, टांगे थी, कीड़ा हो गया। उसने समझा कि मनुष्य की देह की कीमत क्या होती है। तुम सोचो, भगवान महावीर ने इसलिए सबसे अधिक महत्व किसको दिया है, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, मैत्री की कामना, मेरा कोई शत्रु है ही नहीं, प्राणी मात्र पर दया क्यों कहा। एक प्रश्न खड़ा होता है, बोलो क्यों कहा, दया का मतलब क्या होता है, क्यों कहा महावीर ने प्राणी मात्र पर दया। महावीर ने अहिंसा को सर्वोच्च माना है, क्यों माना है, कभी सोचा, चिंतन करो, मनन करो। महावीर ने कहा, उस कीड़े को देखो और कभी चलते चलते पांव के नीचे मत दबा देना, देख के चलना, विवेक से चलना, कीड़ा कुछ नहीं कर सकता। उसके संताप को समझो, वो चला गया, वो मर गया,
और तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम गाड़ी लेके आती हो, कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कभी आलोचना की, प्रायश्चित किया? मेरी 50 लाख की गाड़ी है, बढ़िया गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी लेके तुम चलाते हो, कितने जीवों की हिंसा करते हो, कभी प्रतिक्रम आलोचना की? पूछो अपने आप से। और कई बार हमारे साथ भाई चलते हैं, बूट पहने हुए घास पे चलते हैं और घास में सुबह सुबह घूमते हैं। भगवान ने कहा उस घास में भी वही आत्मा है, वही चेतना जो तुम में है। किसी कीड़े को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, छिपकली को देखो, घास को देखो कि तुम वही हो। मैं भी वही था, मैं भी कभी कीड़ा था और मेरे पर से पांव रख दिया जाता तो मेरा क्या होता है। इसलिए किसी को भी मारना मत, दुख मत देना। जब किसी कीड़े को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, प्राणी कितने भी जीव जंतुओं को देखो, उसको देखो कि मैं भी था, मैंने भी जन्म लिया कीड़े के अंदर। एक बार नहीं, अनंत बार कीड़े मकौड़े बने, दुख भोगा। कौन सी देह छूटी है मेरी और आपकी? उस समय किसको याद करते थे? आज तो तुम्हारे पास कहने की, बोलने की सब कुछ, बीमार हो जाते हो, डॉक्टर को बुला लेते हो, हॉस्पिटल चले जाते हो, रुपया खर्च कर देते हो, सेवक रख लेते हो, नर्सेज आ जाती हैं, सब सेवा हो जाती है। परंतु यदि गाय, भैंस, बिल्ली, चूहा वो बीमार हो जाए, उसको कौन इलाज करता है? मृग को कौन इलाज करता है? और तुम्हें कितनी सुविधा मिल जाने के बाद भी इस देह की कीमत नहीं जानी? ये देह बहुत मूल्यवान है। तुलना करो एक कीड़े की देह, एक कुत्ते की देह और एक तुम्हारी देह, कोई अंतर है? बोलो, देह का कितना अंतर है, पर चेतना उनमें भी वही है। वो चेतना जो आत्मा मुझ में है, तुम में है, उनमें में है, वही आत्मा है। आत्मा में कोई भेद नहीं। जल में, पृथ्वी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, बेंद्री, तेंद्री, त्रेंद्री, बचेंद्री, सब में वही आत्मा है। इसलिए प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना, प्राणी मात्र को सुख देना, दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना। भगवान ने कहा जो निंदा करता है वो पीठ का मांस खाता है, पीठ का मांस। और कहाँ भुगतान करता है? कोई बात कहनी हो प्रेम से कहो, बैठ के कहो, चर्चा करो। मैं एक व्यक्ति की बात नहीं करता, हमारी आदत होती है, किसी पार्टी में जाते हैं, ब्याह शादी में जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, घूमने में जाते हैं, शुरू हो जाती है बात। आपने प्रवचन सुना? सुना था। क्या था? कितने लोग आए थे? गौतम प्रसाद जी किसने रखी थी? गौतम प्रसाद जी में क्या खिलाया था? ये कोई महत्वपूर्ण बातें हैं? बोलो, गौतम प्रसाद जी महत्वपूर्ण है? और गौतम प्रसाद जी नहीं रखोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यदि मान जाल आपको गौतम प्रसाद जी नहीं खिलाई जाती, उसकी बजाय आपको कहे कासना कर लो, अम्बिल कर लो, अम्बिल करना कितना अच्छा है, कितने कर्मों की नजरा होती। यदि आप सबको अम्बिल खिलाओ, तपस्या की तपस्या हो जाएगी। गौतम प्रसाद जी रखो, वो खाना खिलाओ जो जब भूख लगेगी तो अम्बिल भी अच्छा लगता है, अम्बिल का भोजन कराओ। और कितने लोग खाएंगे पता लग जाएगा तुम्हारी रसनेन्द्रिय का, वैरायटी चेंज कर दो थोड़ी थोड़ी। शायद मेरी बातें कड़वी लगे, मैं क्षमा मांग लेता हूँ कि मैं अंतःकरण से कहता हूँ, मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं है। पर आश्चर्य होता है, खेद होता है कि हमारी समाज पैसा भी खर्च करती है, सेवा भी करती है, आप इतना आदर कर रहे हो कि हम महावीर के हैं और किसी के नहीं। एक महावीर, एक अरिहंत परमात्मा, उससे जुड़ जाओ, तुम्हारा मंगल ही मंगल होगा। इस चतुर्मास में अरिहंत परमात्मा की भक्ति से, महावीर की साधना से, महावीर की वाणी से
अरिहंत परमात्मा की वाणी से जुड़ जाओगे तो तुम्हारा ये देह, ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। मेरी यही भावना है और मेरी जय जयकार लगाने की कोई जरूरत नहीं, केवल महावीर, केवल अरिहंत परमात्मा। तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग वही अनंग मुत्तानंग वेगानंग। हे प्रभो, आप तिर गए हो, हमें भी तार दो प्रभो, ऐसी प्रार्थना करो। आप मोक्ष के मार्ग पर चले गए प्रभो, मुझे भी ले जाओ प्रभो। आप तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, मैं नहीं देख पाता, मेरे में शक्ति है पर प्रकट नहीं हो रही प्रभो, मैं कैसे प्रकट करूं? सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अहंकार मत करना। आज तुम्हारे पास धन है, क्या पता कल रहेगा कि नहीं रहेगा। सेवा, साधु साधवियों की सेवा, हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, ऐसी साधवियां हैं जिनको बहुत जरूरत है। कैसी कैसी साधवियां, कोई बरादरी नहीं पूछती, मैं हकीकत कह रहा हूं। हमारी समाज में अपेक्षा है साध्वियों की है, बड़े बड़े को तो पूछ लेते हो, युवाचार्य को पूछ लोगे, मुझको पूछ लोगे, परंतु छोटे छोटे को नहीं पूछते। आवश्यकता है, कई बार हम देखते हैं साध्वियाँ अकेली जा रही हैं, ना आगे ना पीछे, कोई जाता नहीं, कोई लेने नहीं जाता, कोई छोड़ने नहीं जाता। क्यों करते? उनमें भी वही आत्मा, तुमने सेवा करनी है तो सीखो, वो शुद्ध आत्मा है, तुम्हारे पास धन है, उसका उपयोग करो, सबको करो। मैं बहनों से भी कहूंगा कि जहां आपको लगे, तुम्हारे जितने मंडल है, और मुझे अच्छा लगा कि सकल जैन समाज एक रूप होकर के कार्यक्रम कर रहा है, और ऐसे मानवता की सेवा करो। युवक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, बहनें कर रही हैं, मानवता के लिए हम क्या करें? इस चतुर्मास में सबने, युवकों ने, बहनों ने, माताओं ने, बुजुर्गों ने, सबसे जुड़ना है। और जो ऊपर अधिकारी है वो आशीर्वाद दें बच्चों को, माताएं आशीर्वाद दें, बहनें काम करें, कन्या काम करें, युवक काम करें, उनको काम करने की छूट दो। हाँ, यदि वो गलत करेंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे, हम उनको ठीक कर देंगे, चिंता मत करना। बहुत आयाम है, बड़े खुले कार्यक्रम है, कर सकते हो। और सब मिल करके कम से कम एक बेसिक और चार दिन, चार एडवांस शिविर लगे हैं, कर लो, आपका जीवन रूपांतरण होगा। मनुष्य देह में आत्मा का मूल्य क्या है? देह तो बदलती है, देह का बहुत मूल्य है, पर हम देह के मूल्य को जान नहीं पाएंगे। किसी देह को देखो, मैं भी वैसा था, आज मैं मनुष्य हूं, मैं भी कीड़ा था, कुत्ते को कोई रोटी नहीं देता, डंडे मारते हैं, मैं भी कभी कुत्ता था। किसी वृक्ष को देखो तो देखो, वो वृक्ष मैं भी बना था। अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू, समझ रहे हो? नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयनियनंग, नमो अवझायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो देवावितंग, नमंग संति जस धम्म श्या मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, उसका सदा ही मंगल हो।